बोलने का मौका दिया, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। पूरे बिंद प्रदेश की ओर से माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय का भाषण सुना और जो लिखा हुआ हमें दिया वो भी पढ़ा। मैं सोच रहा था कि मेरी जो विधानसभा क्षेत्र है रतलाम जिले के सैलाना आदिवासी इलाका है, हमारे ही पास में झाबुआ जिला भी पड़ता है, अलीराजपुर पड़ता है और धार भी पड़ता, पूरी तरीके से मान के चलो मोटा मोटा एरिया 80% आदिवासी लोग रहते हैं। मैं सोच रहा था कि राज्यपाल महोदय के भाषण में होगा आदिवासी लोग, हमारे समाज के हमारे इलाके जो लोग हैं वो ज्यादा गरीब हालात होने की वजह से और पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं होने की वजह से ज्यादातर लोग दूसरे इलाकों में जाते हैं मजदूरी करने के लिए। देश आजाद हुआ से लगभग 75 साल से ज्यादा का समय हो चुका, आज भी रतलाम जिले के, झाबुआ जिले के, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से, धार जिले से आदिवासी लोग पलायन पर जाते हैं। और पलायन पर जब लोग जाते हैं तो उनको क्या समस्या होती है, क्या परिस्थितियां बनती है, महिलाएं छोटे छोटे बच्चे लेकर के जाती हैं, मैं वहां मजदूर भी सुरक्षित नहीं होता, काम करते करते फैक्ट्री में या किसी ठेकेदार के पास तो वहां पैसा भी नहीं दिया जाता है। मैं ये सोच रहा था कि राज्यपाल महोदय के भाषण में होगा बेरोजगार जो आदिवासी इलाके में जो लोग हैं पढ़ने के बाद नौकरी की तलाश होती है, मैं ये सोच रहा था कि नौकरी की व्यवस्था होगी, कहीं से कहीं तक आदिवासी इलाके में विशेष तौर पर नौकरी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी सैलाना विधानसभा क्षेत्र में मैं ये सोच रहा था कि विभाषण में होगा कि आदिवासी पढ़े लिखे युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा या मेरे इलाके में छोटे छोटे उद्योग खुलेंगे जिसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, इस प्रकार की कोई भी चीज विभाषण में नहीं है। मेरे जो आदिवासी इलाका है वहां से लोगों के पास थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी तभी ठीक हो सकती है जब किसान को खेती करने में थोड़ी सहूलियत मिले। एक तो किसान को जब बीज खरीदना होता है तो बीज महंगा दिया जाता और नकली बीज दिया जाता, दूसरा उसको बीज बोने के बाद में खाद की जरूरत पड़ती है किसान को तो खाद समय पर नहीं मिलता, और तीसरा बिजली की कैसी स्थिति होती है किसान को सिंचाई करने के लिए, सीनियर वरिष्ठ सदस्य माननीय रावत साहब ने बता ही दिया आपको। इस बुरे दौर से किसान गुजरता, मैं सोच रहा था कि अभिभाषण में किसानों के फायदे के लिए कुछ होगा, लेकिन अभिभाषण में ऐसा कुछ नहीं मिला। अभी मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय एक सवाल है महामहिम राज्यपाल महोदय को कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची लागू करने के लिए महामहिम राज्यपाल को हर साल महामहिम राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट पेश की जाना चाहिए भारत के संविधान के, तो मैं नहीं कह रहा हूं मेरी ओर से कि हर साल आदिवासी इलाके में, अनुसूचित इलाके में, आदिवासी इलाके में कैसा प्रशासन चल रहा है और आदिवासी लोगों की कैसी प्रगति हो रही, ये रिपोर्ट महामहिम राज्यपाल साहब को हर साल राष्ट्रपति साहब को सौंपने की है, ये भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था है। तो मैं अभिभाषण के ऊपर मैं यही बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये सवाल है उन तक ये जाना चाहिए। महामहिम राज्यपाल साहब भी उसी इलाके से आता हूं, बिल प्रदेश से, मैं भी उसी इलाके से आता हूं, तो आदिवासियों की इतनी समस्या है क्यों ध्यान को नहीं जा रहा है। परसों के दिन में लोकसभा का सत्र खत्म हुआ और कल अभी इतने देर से सारे माननीय सदस्य कह रहे थे मोदी जी कह रहे थे, ठीक है हम भी मानते भारत के प्रधानमंत्री माननीय है, इतने बुरा इतनी बुरी स्थिति आदिवासियों की आप लोगों को सूझ क्यों नहीं पड़ रही है। मैं सोच रहा था कि अभिभाषण में होगा कि मेरा जो इलाका आदिवासी बहुलता वाला आबादी वाला वहां एम्स की स्थापना करके जाएंगे मोदी जी, एम्स का लोकार्पण करके जाएंगे, उसकी घोषणा करके जाएंगे, आईआईटी की घोषणा करके जाएंगे मोदी जी, मैं ऐसा सोच रहा था। आपके मोदी जी भी फेल हो गए, अब ये बात हो रही राज्यपाल साहब के अभिभाषण की, राज्यपाल साहब के अभिभाषण पर भी मैं सोच रहा था कि वहां एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की बात कही जाएगी अभिभाषण में। आदिवासी इलाके की स्कूल आप लोग देखेंगे वहां जाकर के क्या स्थिति है, मेरी विधानसभा क्षेत्र सैलाना पड़ती वहां पर रावटी नाम का एक कस्बा है, अभी करीब 5-7 साल पहले कॉलेज खुला, केवल 2 टीचर्स है वहां पर, केवल 2 और कॉलेज है। आप हम सब लोग पढ़े लिखे लोग, हम सब माननीय विधायक हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, एक कॉलेज को चलाने के लिए कितना प्रोफेसर की जरूरत पड़ती है, कितने फैकल्टी होना चाहिए, और वो भी एक स्कूल है वो भी जर्जर भवन, उसको पीडब्ल्यूडी ने घोषित कर रखा है वो जर्जर है, वो स्कूल पुराना है और कभी भी गिर सकता है, उसी स्कूल के अंदर में कॉलेज चल रहा। मैं ये सोच रहा था कि राज्यपाल साहब के अभिभाषण में मेरा जो रावटी में कॉलेज चल रहा है वो कॉलेज उसके लिए कोई बिल्डिंग बनेगी या कोई हम लोग नई फैकल्टी वहां जो लोग मांग रहे हैं वो बनेगी, ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं है। पैसा कानून बना 1996 में और नियम बने 2022 में, जैसे
जितना आप लोग करने के लिए नियम बना वो भी सारा उल्लंघन हो रहा। अभी हमारे विपक्षी एमएलए साहब ने कहा था डॉक्टर हीरालाल जी इलाहाबाद ने, अभी धार जिले में डही में एक आदिवासी नौजवान जब अवैध तरीके से शराब की बिक्री होती है आदिवासी इलाके में, घर घर उस प्रकार से दारू की बिक्री होती है जैसी गर्मी के समय में आइसक्रीम बेची जाती है कुल्फी पर, उस तरीके से दारू बेची जाती है आदिवासी इलाके में, दारू को इस प्रकार से वितरण होता है जैसा दूध बांटने वाला व्यक्ति सवेरे सवेरे उठ करके मोटरसाइकिल पर दूध डिब्बे भर के बांटते, उस प्रकार से दारू बेची जा रही। क्या अवैध तरीके से शराब की बिक्री करने से सरकार को राजस्व में कुछ फायदा हो रहा है? हमारे इलाके के अंदर लोगों को जबरदस्ती अवैध तरीके से दारू बिकवा करके शराब बिकवा करके लोगों की हत्या हो रही है। अर्जुन करंसिया करके नौजवान साथी थी उसकी हत्या कर दी शराब माफियाओं ने, और मेरा रतलाम जिला पड़ता वहां बिलपान थाना क्षेत्र है, 5.97 करोड़ की शराब अवैध उसकी हो रही थी, ट्रांसपोर्ट हो रहा था, 2 कंटेनर में भर के शराब पकड़ ली पुलिस कर। अभी माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाह रहा हूं, 6 करोड़ की शराब पकड़ी पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मिलकर और उसको पूरा मामला दबा दिया। सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से सवाल पूछ रहा हूं, क्या इसी प्रकार से सरकारें चलती है? क्या अवैध तरीके से शराब की बिक्री हो रही है, लोगों को मारे जा रहे हैं? मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह भी सोच रहा था कि पैसा कानून होगा वो ठीक से लागू होगा, लाखों की तादाद में आदिवासी लोग जो है जंगलों में रहते हैं कई सालों से कई सदियों से, वो लोग अपने जंगल काट करके और अपनी आजीविका वहां पर जी रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि जिन लोगों ने फॉरेस्ट के वन अधिकार पत्र लेने के लिए जिन लोगों ने आवेदन कर रखे हैं उन आवेदनों की दोबारा से पड़ताल होगी और उनको वन अधिकार पत्र दिए जाएंगे। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस प्रकार की कोई भी बात नहीं कही। वन अधिकार इतने सालों से आपको पता होगा ना, 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट कहता है कि सबसे पुराना समाज आदिवासी इस देश में है, इस मुल्क का मालिक आदिवासी है और हम सभी समाज के लोगों के साथ मिलकर के रहना चाहते हैं। 22 तारीख को उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या में इतना सारे माननीय सदस्य चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, 4-5 दिन से मैं देख रहा हूं। आप पहले ये बताइए, भगवान श्री राम जब जंगल में गए थे तब कोई महल का व्यक्ति उनके साथ नहीं आया था सपोर्ट में? माता शबरी जो बेल समाज की थी उन्हें झूठे बेर टेस्ट करके खिलाते कि कड़वा बेर या सड़ा हुआ बेर न चला जाए राम जी के मुख में। तो उस दिन 22 तारीख को अयोध्या में इतना बड़ा कार्यक्रम किया, राष्ट्रपति महोदय को आपने नहीं बुलाया जो आदिवासी समाज की थी, तमाम प्रकार के पूरे देश में इतना सारा विधायक आदिवासी उन सबको बुलाना चाहिए था, ये विधायक लोग सभी राज्यों के सभी ये सांसद लोग आदिवासी समाज के ये इस भारत देश के लिए देवता के समान है, इन लोगों को आपने क्यों नहीं बुलाया है? और जिस प्रकार से माता शबरी का राम जी का कार्यक्रम हुआ ऐसा एक ऐसा कार्यक्रम माता शबरी का भी होना चाहिए, जहां जहां भगवान के पैर पड़े वहां तो आप लोग कर रहे हो कि हम लोग इसको तीर्थ स्थल बनाएंगे। शबरी माता किस काम से आती थी, ये कहां रहती थी, इसके भी आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा, बनाओ तीर्थ स्थल। जिस प्रकार राम जी का कार्यक्रम हुआ हमारे लिए वो देवता के समान है, देवता हम लोग तो पूजा करते हैं आदिवासी, आदिवासी समाज का आदमी सवेरे से उठने से लेकर के शाम को सोने तक हजारों बार जिन्हें जिन्हें लोगों से मिलता है 2 बार राम राम बोलता है, 1 बार जय श्री राम नहीं बोलता है। तो जिस प्रकार से शबरी माता का आप लोगों ने छोड़ दिया ना 22 तारीख वाले कार्यक्रम में, ऐसा कैसा राज्यपाल साहब के अभिभाषण में आदिवासी लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया, सिर्फ जंगल में जो है तेंदुपत्ता उसको 4,000 रुपया बोरा कितना देने का बात कहा ना, 4,000 रुपया देने का बात कहा। आदिवासी इलाके में हम कौन खोलेगा, हमको नहीं पढ़ना है, आदिवासी इलाके के अंदर में IIT कौन खोलेगा? दूसरे राज्य के लोगों ने नहीं जिताया, पाकिस्तान के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है, बोलने के लिए साथ बोलना पड़ेगा ना, मैं कानून का पालन करता हूं मैं खुद भी। और हमारे आदिवासी इलाके में बच्चा पैदा होने से लेकर के बूढ़े होने के मरने तक जितने भी आपकी योजनाएं चल रही एक भी योजना ठीक से नहीं चल रही है। नरेंद्र मोदी जी आपके हमारे सब क्यों माननीय है, उनकी तमाम प्रकार की योजनाएं होगी इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए। नल जल योजना में कितना बड़ा घोटाला हुआ पूरे मध्य प्रदेश में तय करो, मैं तो कह रहा हूं कि हमारा जो इलाका मान 2,500 करोड़ के आसपास काम हुआ ठीक है ना, आप लोग सर्वे करेगा मैं खुद ही जैसे भी
राव साहब कह रहे थे ना वो बिजली वाले मेरी उपस्थिति में आप लोग वेरीफाई करो, आप मैं भी विधायक हूँ, मैं भी चुन करके आया हूँ, मेरी उपस्थिति में नल जल योजना कितने घरों तक आपने नल पंप के माध्यम से पानी पहुंचाने के इंतजाम किए हैं, मैं खुद खड़ा लेकर आप वेरीफाई कर लेते हैं। 90% काम फर्जी हुआ है, कागज में कह दिया कि नल चल रहा, नल में पानी आ रहा, वहां जाके देखेंगे, कोई नल नहीं बिछाया है और कोई पानी का कोई स्रोत तैयार नहीं किया है, ऐसी स्थिति हो रखी है हमारे इलाके में। तो दूसरे जिलों में दूसरी विधानसभा में भी मेरे ख्याल से यही हालात होंगे। आप समाप्त करें, बस समाप्त कर रहा हूं श्रीमान जी।